हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में फेशियल के जो स्टेप्स है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और आपको ये बताने वाली हूँ कि आप घर पर ही ब्लीच और फेशियल किस तरीके से कर सकते हो। आप कोई भी ब्रांडेड फेशियल किट ले सकते हो और आप आसानी से उसे घर पे कर सकते हो। आपको पार्लर में जाकर 500 to 600 रुपीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी से स्टेप्स हैं एंड जो ग्लो होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। जिस सेम वही तरीका है जो पार्लर्स में करते हैं, आप वो खुद से आराम से अचीव कर सकते हो। तो आज मैं आपसे वही सारी चीज़ें, स्टेप्स वगैरह शेयर करूँगी। और सबसे पहले हम ये करते हैं कि आप जो भी फिंगर रिंग्स पहनोगे आप उसे निकाल दीजिए। वंस ये हो चुका है तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम पहले ब्लीच करें या फेशियल के बाद ब्लीच करें। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें ब्लीच करना रहता है और आईब्रोज़ वगैरह भी नहीं करने होते हैं, सबसे पहले हम ब्लीच करेंगे। अगर आप आईब्रोज़ पहले बना लोगे एंड देन फिर आप ब्लीच करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो सकता है लगते ही, और जल सकता है स्किन, तो वो आपको करना ही नहीं है। सबसे पहले हम ब्लीच करके उठाएंगे एंड देन फिर अगर आपको आईब्रोज़ करना है आईब्रोज़ करो एंड उसके बाद में फेशियल। फेशियल करने का जो आधा काम है वो ब्लीच अगर अच्छा है तो आपका आधा, मतलब ग्लो वहीं पे ब्लीच के बाद में ही अचीव हो जाता है। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ओलिविया का D10 ब्लीच विथ एक्टिव कार्बन। ये इसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग इसका रिज़ल्ट है। और ये आप वन फेस पे पूरा नेक वगैरह कवर आप आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। ओके, तो इसके अंदर हमें मिलते हैं ये 4 सैशेट। ओके, सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है जो क्रीम है वो है। उसके बाद में हमें मिलता है ये एक्टिवेटर, ठीक है। और ये जो पूरा क्रीम है उसके अंदर हमें ये पूरा एक्टिवेटर डालना होता है एंड देन D10 ब्लीच बूस्टर, ये भी हमें ये क्रीम के अंदर ही मिलाना होता है। एंड जब पूरा ब्लीच हो जाता है, जब आप पूरा फेस वगैरह अच्छे से वॉश कर देते हो, उसके बाद में आपको ये पोस्ट ब्लीच सीरम ये अप्लाई कर देना। ये तो खैर अब हमारे कुछ खास काम नहीं आने वाला है क्योंकि हम डायरेक्टली फेशियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला मैं इसे एक कंटेनर में निकाल देती हूँ और फिर बाकी का आगे बता। ये सारी चीज़ें मैंने इसे ना अच्छे से इसके अंदर डाल दी हूँ कंटेनर के अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे ना छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं तो इसे हमको इतने अच्छे से मिक्स करना है ना ताकि कोई भी छोटा भी ग्रैन्यूल इसके अंदर ना रहे। तो इसके लिए हमें तकरीबन 1 मिनट जाएगा एंड ये जैसा जाएगा, मतलब ये पूरे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर अच्छे से पूरे मिक्स हो जाएंगे, तब आपको जो ब्लीच है वो स्टार्ट करना है लगाना मुस्टैक्स से। यहाँ से आपको लगाना शुरू करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुस्टैक्स रिमूव नहीं करते हैं। तो क्या होता है, जब आप ये ब्लीच करते हो ना तो सबसे पहला आपका ये थोड़ा टाइम लगता है। अगर ये बहुत थिक है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ब्लीच होने के लिए। तो जब हम सबसे पहले यहाँ लगाते हैं तो वो उस वक्त में काम कर रहा होता है और बाकी आपका जो फेस है वो नॉर्मल टाइम, वो जल्दी से हो जाता है ब्लीच। इसलिए तो हमें फ़र्स्ट स्टार्ट करना है मुस्टैक से लगाते हुए। और कभी आप चेक करोगे कि आपका ब्लीच हुआ या नहीं तो आपको जस्ट एक हल्का सा ऐसे रिमूव करना है, देखना है। अगर बाल गोल्डन हुआ है दैट मीन्स आपका ब्लीच पूरी तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हम जानते हैं इसको, और थोड़ा सा टाइम जाएगा अच्छे से। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ। तो अब ये सारा जो प्रोडक्ट है ब्लीच का वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं शुरू करती हूँ इसे लगाना। ये मैंने असल में बहुत दिनों बाद ये मैं ब्लीच कर रही हूँ तो मेरे फेस पे बहुत डर्ट भी जमा हो गया है, स्किन मेरा बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है और टैन भी हो चुका है और ब्लैक हेड्स भी मेरे पास स्किन पे बहुत ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने स्किन पे ज़रा भी केयर नहीं किया। इस वजह से थोड़ा सा टिंकल हो रहा है मेरे फेस पे, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है।
बट इट्स टोटली फाइन, वो थोड़े टाइम के बाद में सेटल हो जाता है, तो आप पैनिक मत होइए। बट हाँ, अगर ब्लीच लगाने के बाद में बर्निंग सेंसेशन आपका बढ़ ही रहा होगा तो मेक श्योर फटक से उसे रिमूव कर दें, अदरवाइज स्किन आपका जो है वो डैमेज हो सकता है, बॉइल्स आ सकते हैं या फिर बर्न हो सकता है। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है बर्दाश्त के बाहर, तो आप क्विकली उसे रिमूव कर लीजिएगा। तो आप ये फिर नेक पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब कुछ सेकेंड्स हुआ है मुझे फेस पे लगाकर, नाउ आई कैन फील, ये थोड़ा सा ठंडा सा फील हो रहा है, अच्छा एकदम ठंडा सेंसेशन दे रहा है अभी, अब बर्न नहीं हो रहा है। तो हमने इस तरीके से पूरा लगा दिया। एंड रिमेंबर, अगर आपका स्किन डस्की है मेरी तरह, तो आपको ब्लीच पूरा 15 मिनट नहीं रखना है, क्योंकि 15 मिनट तक अगर आप पूरा ब्लीच रखते हो तो आपके स्किन के अंदर एक अलग सा है ना दाग हो जाता है, मतलब ब्लीच तो होता है वो, बट एक गंदा सा दाग हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता और वो जाता भी नहीं है जल्दी। अगर आपका डस्की स्किन है तो आप खाली 5-10 मिनट्स, इट्स मोर देन इनफ, आपको उससे ज़्यादा ब्लीच आपके चेहरे पर रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर डस्की स्किन है तो उसके ऊपर जो गोल्डन हेयर्स हैं वो बहुत भयंकर लगते हैं। तो आपको ब्लीच मोस्टली आप इसीलिए यूज़ करते हो ताकि जो पोर्स है, पोर्स में से आपका पूरा डर्ट ग्रिम जो है वो निकल जाए। तो 5 मिनट्स इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर डस्की स्किन। तो इस तरीके से पूरा आपको चेहरे पे लगा देना है, आईब्रोज वाइब्रोज सब पे लगा देना है। एंड नाउ हम मिलते हैं प्रॉपर 5 मिनट के बाद। मैं 5 मिनट से ज़्यादा वैसे भी फेस पे नहीं रखूँगी, तो जस्ट 5 मिनट के बाद हम वापस मिलते हैं। तो अब हो गए एग्जैक्ट 5 मिनट्स, मैं फटक से इस चेहरे को धोकर आती हूँ एंड देन फिर हम बाकी का प्रोसेस करते हैं। ओके, तो मैंने फेस वगैरह एकदम अच्छे से वॉश कर दी हूँ एंड ब्लीच अच्छी तरीके से हो गया है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ब्लीच का। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ VLCC का एंटी टैन फेशियल। तो ये कुछ इस तरीके के पाउच में आता है। जो सबसे पहला है वो है ओटमील स्क्रब। इसके अंदर नॉर्मली ये कोई खरदूरा सा स्क्रब जैसे एप्रिकॉट का होता है वैसे नहीं होता। एंटी टैन जो है ये VLCC का, ये बहुत ही अमेजिंग फेशियल है। इंस्टेंट ग्लो लाता है, इंस्टेंट आपके पोर्स क्लियर करता है, इंस्टेंट आपको आपकी पूरी फेस को रिवाइटलाइज करता है कहीं ना कहीं। तो इसमें है ओटमील स्क्रब जो ज़रा भी खरदूरा नहीं होता। देन फिर इसमें सेकेंड जो आता है वो है मेलावाइट जेल, एंड तीसरा इसके अंदर है मेलावाइट पाउडर एंड विथ प्रोमोग्रेनेट एंड आलमंड केक पाउडर, और फिर चौथा स्टेप है इसके अंदर पिस्ता मसाज क्रीम विथ पिस्ता एक्सट्रैक्ट एंड रोज पेटल एक्सट्रैक्ट, और फिर आता है इसके अंदर मेलावाइट पैक एंटी टैन फेशियल किट विथ विंटर चेरी एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। तो ये पूरे इसके अंदर होते हैं 5 स्टेप्स। अब ये 5 स्टेप्स को मैंने इसके जो पाउच है वो पूरा निकाल के मैंने इस तरीके से इसमें ले ली हूँ। अब जो ओटमील है ना, जो सबसे पहला वाला स्टेप है ओटमील स्क्रब, ये एक पाउडरी फॉर्म में आता है। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना होता है और उसे एक पेस्ट बनाना होता है। तो मैं वही कर रही हूँ। ओके, इसे आपको पेस्ट बनाकर एंड देन फिर अप्लाई करना रहता है फेस पर। तो ये थोड़ा सा है ना, ये जल्दी से पानी में घुलता नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ठीक है, उसके बाद में अच्छे से आप फेस पे लगा सकते हो। तो ठीक है, ये मैं लगाना शुरू करती हूँ। एंड वाह, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ऑसम है। मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दी, बट इट्स ओके।
हम कुछ इस तरीके से भी फेशियल करेंगे। आपको जो आपका हाथ है वो एकदम ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, मतलब जो फेस है उस पर ज़्यादा एकदम रगड़ना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से आपको करना है। आपकी जो नोज़ है, ओ शिट, मेरे स्पीकर पे थोड़ा सा ये क्रीम गिर गई, बट ठीक है। जो ये ओटमील का स्क्रब है ना, ये बहुत बेहतरीन है, मतलब एकदम माइल्ड है आपकी स्किन पे। आप ये अलग स्टेप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, सर्कुलर मोशन पे हल्के हल्के हाथ से आपको अपवर्ड्स डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। हम सारे स्टेप्स को है ना ज़्यादा नहीं अपने फेस को जो है ना मसाज 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 करके हम हैरेस करेंगे। हम 2 to 3 minutes हर एक पैक को, हम हर एक क्रीम को हम अपने फेस पे मसाज करेंगे। दैट्स इट, एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से लेना है। आप नेक भी ऐसे ले सकते हो। आप अपने लिप्स पे भी है ना, ये ओटमील का स्क्रब है तो आप अपने लिप्स पे भी इसको अच्छे से स्क्रब कर सकते हो एकदम हल्के हल्के हाथों से। और ये नोज़ के यहाँ पर भी ये होने के बाद में ये ड्राई हो जाता है अपने आप जब इसको अच्छे से वो कर लोगे ना, तब ये ना अच्छे से ड्राई हो जाता है। अब हम इसे रिमूव कर देंगे। तो मेरे पास है ऐसा एक स्पॉन्ज जो आप यूज़ कर सकते हो, फेशियल के लिए बहुत काम आता है ये। और आप इससे अच्छे से इसको वाइप आउट कर सकते हो। आप देख सकते हो स्किन एकदम क्लीन लग रही है।
ये हमें अच्छे से वाइप कर लेना। ये स्पंज बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये हमने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्रीम का। तो ये कुछ ग्रीन कलर की क्रीम है। अब हम इसे अच्छे से फेस पे लगा लेंगे। इसकी भी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। अब जब हम ये क्रीम लगाना शुरू करेंगे ना, तब हमें अपना जो स्टीमर है वो भी ऑन कर लेना, ताकि तब तक हमारा स्टीमर भी हो जाए और इसके बाद में हम थोड़ा सा स्टीम ले पाए। अब मेरी जो है ना, ये थोड़ी सी एक्ने प्रोन स्किन है, तो व्हाट आई पर्सनली डू इज, मैं ज़्यादा है ना अपने हाथ का मसाज अपने फेस पे नहीं करती हूँ। तो जो मेरा जो स्किन है ये बहुत है ना एक्ने प्रोन स्किन है। सो व्हाट आई डू इज एंड व्हाट आई प्रिफर इज, मैं ज़्यादा अपना जो हैंड का मसाज है वो अपने फेस पे नहीं करती हूँ। द रीज़न इज, जो अपने हैंड्स पे से हीट निकलती है ना, वो जब एक्ने प्रोन स्किन पे लगती है तो वहाँ पर और जो एक्ने है वो डिवेलप होते हैं। तो इसके बदले आई यूज़ सम ऑफ द टूल्स विच आर वेरी फिजिबल इन द मार्केट। आपको आसानी से वो कोई भी स्टोर्स पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ये क्रीम लगाया है तो मैं कौन सा टूल यूज़ करूँगी। तो मैं सबसे पहला हाथ जो है वो वाइप कर लेती हूँ। एंड देन ये एक ब्रश है, इसके पीछे जो है वो सिलिकॉन बेस है। ये भी बहुत सॉफ्ट है, आगे ये बहुत सॉफ्ट ब्रश है, बहुत यानी बहुत ही सॉफ्ट है। तो जस्ट आपको ये डिप करना है पानी में एंड इसको आपको आराम से मसाज करना। तो ये करने का मकसद ये है कि अगर मैं इसे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ तो जो क्रीम है ना वो बहुत अंदर तक स्किन के चला जाएगा और जो भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है उसको वो लूजन अप करेगा। तो जब मैं स्टीम लूँगी और जब मैं ब्लैक हेड रिमूवर से वो पूरा गंक निकालूंगी तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और आसानी से जो है वो निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं मसाज कर दूंगी फेस पर इससे, ब्रश से। ब्रश से होने के बाद में मैं 2-3 मिनट से ब्रश से करूंगी एंड देन जो सिलिकॉन वाला पार्ट है उससे मैं करूंगी इधर ऐसे। तो इससे ना आपके पूरा पोर्स क्लीन हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। नोज़ वगैरह पे आपको एकदम अच्छे से इसका है ना मसाज देना है एंड ये बहुत स्टडी मटेरियल है। चलो मीनवाइल मेरा जो स्टीमर है वो अच्छे से हीट हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा सा भाप ले लूँगी। और आप देखो मेक श्योर करना कि जो स्टीम है वो आपको एकदम हार्श अपने स्किन पे नहीं लेनी है। चलो ठीक है, इतना ही सही। तो ये है मेरा जो है ब्लैक हेड रिमूवर है। अब
मैं नॉर्मली डर्मा सक्शन यूज़ करती हूँ, लेकिन अब आप देख सकते हो मैंने बहुत दिनों से फेशियल किया नहीं ना, तो थोड़े मोटे मोटे से ब्लैक हेड्स वगैरह जमा हो गए, मगर मैं इसे एक ही बार में नहीं निकालूंगी। मैं इसे जितने निकल रहे हैं बस उतने ही निकालने वाली हूँ, ज़्यादा मैं ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा प्रेस करोगे आप तो पार्लर्स में नॉर्मली क्या करते हैं वो लोग, एकदम प्रेस करते हैं, रुला देते हैं, लेकिन आपको इतना स्किन पे हार्श नहीं होना। धीरे धीरे से जितना निकल रहा है आप उतना ही निकालो, एंड बाकी का जो है वो आप छोड़ दो। और आप मेक श्योर करो कि आप हर एक महीने में एटलीस्ट फेशियल कर लो, एक साथ में कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत सरसरी तौर पे निकाल रही हूँ कि चलो ठीक है, जितना निकल रहा उतना निकले, किसी को भी मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ एकदम ज़्यादा। ओके, तो ठीक है, मैंने इतना पूरा निकाल लिया फेस पे से, अब इसे भी मैं अच्छे से वाइप आउट कर लूँगी। अब जो आएगा वो है जेल। अब जेल से भी मैं एकदम हल्के से ही मसाज करने वाली हूँ, ये मैंने लगा लिया। और अब मेरे पास है जेड रोलर। अब जेल हम नॉर्मली इसलिए लगाते हैं इसके बाद में कि जो आप स्टीम लेते हो, स्टीम से जो आपकी स्किन थोड़ी सी बोलते ना हॉट हो जाती है, और आप ब्लैक हेड्स जो निकालते हो तो आपका स्किन जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, तब आप ये जेड रोलर जो मैं फ्रीज़र में रखती हूँ हमेशा, मैं इसे इस तरीके से मसाज करूँगी। तो जो जेल है वो भी मेरे पूरे स्किन में जाएगा एंड एक सूदिंग सेंसेशन मिलेगा, और जो क्रीम है वो भी वर्क करती है। तो इस तरीके से आप जेड रोलर का भी मसाज कर सकते हो। अगर आपका डबल चिन है तो आप इसे यहाँ पर भी आराम से यूज़ कर सकते हो, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाता है, लेकिन ये डेली आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आप सोने से पहले आप इसे 10 मिनट अगर आप यूज़ करते हो तो इट वर्क्स। तो इस तरीके से, और ये जो छोटा है इससे आप आइज़ के ऊपर, आइज़ के अंडर आइज़ में आप इसे अच्छे से ऐसे मसाज कर सकते हो। आनी कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी। अगर किसी को बहुत डार्क सर्कल है तो आप कोई भी अगर पैक है या फिर कोई जेल आप यूज़ कर रहे हो तो वो आप लगाने के बाद में इस तरीके से ये जेड रोलर से आप मसाज कर सकते हो, तो वो पूरा स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होता है एंड जो भी क्रीम है, जो भी आप जेल लगा रहे हो वो वर्क करता है, वहाँ पर जो भी इफ़ेक्टेड एरिया है वहाँ पर जाके वो अपना काम करता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पफिनेस होती है आइज़ के अंडर, तो वो भी इससे कम होती है। मेक श्योर आप जब भी ये जेड रोलर अपने अंडर आई यूज़ कर रहे हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आपको एकदम धड़ाधड़ ऐसा नहीं करना है ये, क्योंकि पूरा मेटल और स्टोन से बना हुआ है, तो ये कहीं आपकी आइज़ पे ना लग जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग जेड रोलर ऑन योर फेस। इस तरीके से आप मसाज कर सकते हो। ओके, इसके बाद में मैं अपना जो फेस है वो वापस एक बार क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अब जो है वो मैं
फोर्थ स्टेप अभी फेस पे लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया। आप कोई भी मसाज कर सकते हो, कोई भी स्टेप वाला मसाज कर सकते हो, लेकिन जस्ट मेक श्योर आप वो अपवर्ड डायरेक्शन में करो, ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये होने के बाद में ये स्क्रब हम अभी यूज़ करेंगे। अब इसे मैं थोड़ा सा हाथ से पहले मसाज करूँगी एंड देन फिर आई बी यूजिंग वन मशीन। वो भी एक फेशियल का ही टूल है, अगर आप उसे एक बार परचेस कर लेते हो तो फिर आपका आराम से फेशियल आप घर पे कर सकते हो। और जो ये सारे स्टेप है स्टार्टिंग से लेके एंड तक के आप घर में ही वो मशीन के ही थ्रू कर सकते हो, आपको अपने हैंड का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। तो देखो ये मैंने ये ना क्रीम जो है ये मैंने स्क्रब जो है लगा दिया है फोर्थ वाला स्टेप का। तो मैं इसे हल्के से थोड़ा सा सेटल करती हूँ अपने फेस पे। मैंने इसको सेटल कर दिया। अब जो एक्सेस मेरे हाथों पे लगा है आई जस्ट रिमूव दैट। अब मेरे पास है ये वाला एक मसाज, जो आप अगर आपका बॉडी पेन हो रहा है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, और फेस भी आप इससे मसाज कर सकते हो। तो इसमें आते हैं तीन सेशंस, तो ये ज़ीरो, फर्स्ट एंड देन सेकेंड। तो हमें खाली फर्स्ट ही यूज़ करना है। इसमें अटैचमेंट्स भी है ना कुछ 15-20 आते हैं, तो ये वाला फेस के लिए होता है मोस्टली। तो हम धीरे धीरे से इसको इस तरीके से मसाज करते हैं। तो ये जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा करता है और आपके स्किन को ज़रा भी हार्म नहीं करता है। ये भी आपको सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो ये भी मैं खाली एक या दो मिनट ही यूज़ करूँगी, जस्ट बिकॉज इट्स नाउ 12:30। तो मैं थोड़ा सा हरी अप करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये इस तरीके से हो गया, गुड एनाफ। ये आपके स्किन के जो सेल्स हैं ना इसको भी बहुत अच्छे से, मतलब जब ये वाइब्रेट होता है तो ये आपको बहुत रिलैक्सिंग मतलब उसमें डालता है, पूरा आपका फेस रिलैक्स हो जाता है। दैट्स इट। एंड ये भी मैं अच्छे से इसको है ना पूरा अपने स्किन से निकाल दूंगी। यू कैन सी द डिफरेंस, पूरा स्किन एकदम क्लियर, सॉफ्ट और एकदम नरिश्ड हो गया है, एज इफ कोई बंजर झाड़ को पानी मिल जाता है टाइप। ओके, ये इस तरीके से। अब इसके बाद मैं लास्टली मैं लगा दूंगी जो फेस पैक है वो। फेस पैक लगाने के बाद मैं उसे मैं धोकर एंड देन फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। ओके, तो ये रहा फेस पैक। इसके अंदर भी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी है। तो नॉर्मली आप ये ब्रश से भी लगा सकते हो या फिर आप हाथ से भी लगा सकते हो। तो ये पूरा मैं इस तरीके से लगा दूंगी। दैट्स इट। तो चलो अब इसको मैं सूखने तक रखूँगी 2-5 मिनट, फिर मैं इसे निकाल दूँगी।
और ये जो फेस पैक होते हैं उसको एकदम भी फेस पे सुखाना नहीं होता है, हल्का सा वो गीला सूखा होना चाहिए तभी धो देना है। अगर आप फेस पैक बहुत टाइम तक फेस पे रखते हो, पूरा सुखा देते हो और फिर धोते हो, तो जो रिंकल्स है वो बहुत जल्दी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो स्किन होती है वो पूरी श्रिंक होने लग जाती है फेस पैक लगाने के वक्त, लगाने के बाद। तो मेक श्योर अगर आप फेस पैक लगाते हो तो वो सूखे गीले में ही आप फिर धो लीजिएगा। दैट्स इट। तो अब मैं ये धोने के बाद आपसे मिलती हूँ और मैं आपको अपनी स्किन बताती हूँ। गाइस, जैसे कि आपने देखा कि ग्लो एकदम माशाल्लाह आया हुआ है, और आप जो भी मैंने टूल्स इसमें लिया है, जो भी मैंने फेशियल VLCC का मैंने लिया है, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ खरीदनी हो, फॉर एन एग्जांपल जो मैंने वो ब्रश बताया था आपको, वो अगर आपको लेना हो, जेड रोलर लेना हो या फिर पूरा फेशियल किट लेना हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पे DM कर सकते हो, वो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँगी, मेकअप लवर नस्रीन, वहाँ पर आप मुझे DM कीजिएगा जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, एंड कुरियर ऑल ओवर इंडिया हो जाता है, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे पहुँचा दूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, बाय।